right. अस्सलाम वालेकुम। मैं फिलवक़्त जो हूँ मस्जिद नूरी सिद्धांति शमशाबाद पर हूँ। मैं मस्जिद के दरवाज़े को लॉक है फिलवक़्त। अभी मुझे इत्तला मिली थी कि मस्जिद की दीवार को और दो मलगियों को और वज़ू खाने को शहीद कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मालूम हुआ तो मैं आया, क्योंकि इससे पहले भी ये मस्जिद को कई मर्तबा कोशिश की गई, तो मैं आकर यहाँ पर एहतजाज किया था। और आज जो है ये पता चला है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जबकि आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरा पलटा के उधर बताओ कि ये बिल्डिंगों को बचाने के लिए, ये जो जितने बिल्डिंगा हैं इनको बचाने के लिए रोड वाइडनिंग को इधर से लेकर जा रहे हैं। एक ब्रिज आ रहा है वहाँ से और वो ब्रिज को यहाँ पर लैंड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद की पूरी दीवार को शहीद कर दिया गया। ये मस्जिद के तहत दो मलगियाँ थी, शहीद कर दिया गया। और अंदर जो मस्जिद खाने का वज़ू खाने का जो हिस्सा है, जो दरवाज़े का, यानी मस्जिद यहाँ से ये जो दीवार गिराई देख रही आपको, ये पूरी दीवार यहाँ से मस्जिद की बाउंड्री वाल थी। आज जो है मस्जिद पूरी रोड पर आ गई है। कल के दिन हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो मस्जिद में घुस जाने के भी इम्कानात है। बड़े अफसोस की बात है, मस्जिद की दीवार को शहीद कर दिए, दो मलियों को शहीद कर दिए। कमेटी की तरफ से कोई एहतजाजी यानी दरख्वास्त नहीं दी गई, रुकाया नहीं गया, और अभी तक भी जो है वक्फ बोर्ड का कोई अमला नहीं आया यहाँ पर। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भी पुलिस स्टेशन, हम उसमें पुलिस में भी दरख्वास्त देंगे। और इस मस्जिद की जो बाउंड्री वाल गिराए हैं और जो मलगियों को यानी मस्जिद के मलगियाँ भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का बाउंड्री वाल भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का वज़ू खाना भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का बैतुल खुला भी मस्जिद का हिस्सा है, तो इसको जो शहीद करने के लिए चंद फिरका परस्त ऑफिसर्स कई ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। पिछले 25 साल से कोशिश की जा रही है कि इस मस्जिद को ये मेन रोड पर से हटा दिया जाए। तो मैं हमारे नंबर वन होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से सवाल करूंगा कि आपका मुंह नहीं दुखता बोलते हुए कि हमारा सीएम सेकुलर है, हमारी गवर्नमेंट सेकुलर है। तो मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, लेकिन आगे तीन मंदिर है, इधर रोड पे दो है, उधर एक है, वो मंदिरों को हाथ में लगा रहे हैं, उल्टा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स बना के उसको थोड़ा डिविएट कर रहे हैं। तो आखिर मस्जिद के साथ ही ऐसा महेंद्र माँ का सुलूक क्यों किया जा रहा है? यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार है,
कई बार कमेटी वालों को यहाँ पर प्रेशर कर रहे हैं कि आप जो है कंसर्न दो बोलकर। अब आया क्या मस्जिद के कमेटी वाले इसके ऊपर कंसर्न दिए या नहीं दिए ये अभी नहीं मालूम है। मैं कल सुबह में वक्फ बोर्ड वालों से भी बात करूंगा और हम पुलिस में भी इसके ख़िलाफ़ में शिकायत देंगे। मैलार दो पल्ली पुलिस स्टेशन लगता होगा शायद या शमशाबाद लगता मालूम करके। लेकिन ये बहुत ही आखिरी घिनौनी साजिश और गंदी हरकत की गई है कि मस्जिद नूरी जो शमशाबाद रोड पर है इसकी दीवार को गिरा दिया गया, दो मलगियों को गिरा दिया गया और आपके उसके बैतुल खला को नुकसान पहुंचाया गया, वज़ू खाने को नुकसान पहुंचाया गया और इतना बड़ा वाक़िया हो गया कि कोई मुस्लिम कायदीन एक या दो जने कोई आए होंगे लेकिन जो क़यादत का दावा करते हैं उनका कोई भी अभी तक रुकन नहीं आया यहाँ पर। तो आखिर क्या वजह है कि ये वाक़या पेश आया? इसकी मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से निंदा करती है और मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड आए यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह आए और उनकी निगरानी में ज़मीन ये जो बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है उसकी तामीर करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में TRS के लिए बहुत ही गंदी बात है ये। इसके ख़िलाफ़ में सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होता है ये नेशनल हाईवेज को वो लोग बनाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के तहत वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ में केस दर्ज करना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई अहलिया ने मोहल्ला या कमेटी के लोग भी इन्वॉल्व है तो उनके ख़िलाफ़ में भी केस बुक करके ये मस्जिद को डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेज में लेना चाहिए, ये कमेटी को तहलील कर देना चाहिए। अगर वो लोग कंसेंट दिए हैं तो, अगर नहीं दिए हैं तो ठीक है, अगर कोई कमेटी के अराकिन भी इसमें कंसेंट दिए हैं कुछ पैसे से लेकर तो उनके ख़िलाफ़ में भी केस दर्ज करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ में केस बुक करना चाहिए, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ में केस बुक करके उनको गिरफ़्तार करना चाहिए।